हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट जो पीपीटी बनाई थी, लास्ट जो हमने डिस्कस किया था, उसमें बहुत सिंपल सा कैटायन का क्लासिफिकेशन था। आप लोगों ने उसको देखा होगा, उससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होगी। अब उन कैटायन को सॉल्व करने के बाद में मैंने कहा था कि उसको फर्दर किस तरह से सेपरेट करते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। एक्चुअली सब कैटायन्स को सेपरेट करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन देर आर सर्टेन कॉमन रिएजेंट्स जो कि हम सारे कैटायंस में डालते हैं, जैसा कि NaOH हुआ, NH4OH हुआ, KCN हुआ, KI हुआ। दीज आर द रिएजेंट्स जो कि सभी कैटायंस में डालकर ये चेक किया जाता है कि क्या वो उसके लिए पॉजिटिव टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। हर कैटायन का अपना एक अलग तरह का टेस्ट होता है और उसी से वो डिटेक्ट होता है, और ये ज़्यादातर टेस्ट दिखाने से हम कंफर्म कर लेते हैं कि वो कैटायन प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए एक स्पेशल तरह की रिएजेंट वाली डिश लेकर आया हूँ। ज़रा बोर्ड पर ध्यान से समझें, हमारे पास जो पहला रिएजेंट है वो पहला रिएजेंट है NaOH। हमें करना क्या है, हमें जो टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हमारे पास कैटायंस हमने सेपरेट करे थे, हाँ ये बात ध्यान रखना, वो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में हमने रखे थे, हमको पहले उनको डिसॉल्व करना होगा। जब हम उनको डिसॉल्व कर लेंगे, सॉल्युबल कर लेंगे, उसके बाद ये टेस्ट किए जाते हैं। यानी कि ये जो टेस्टिंग स्टार्ट होते हैं राइट फ्रॉम द मेटल पॉजिटिव एक्वस से, जो भी मेटल है उसके सोल्यूशन फेज से ये स्टार्ट होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, ये सभी रिएजेंट्स के साथ कॉमन है। मैंने यहाँ पर सबसे पहला रिएजेंट लिया NaOH। क्या NaOH अगर हम किसी भी कैटायन पे डालेंगे तो क्या होगा, OH माइनस जाएगा, कैटायन के साथ जुड़ जाएगा और हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये हमने बना दिया हाइड्रोक्साइड। अब ये रिएक्शन आगे तभी जाएगी जब ये भी सॉल्युबल हो, ये भी सॉल्युबल हो, और ये बनने वाला कैसा हो, इनसॉल्युबल। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या नाम है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी ही तब जब इनसॉल्युबिलिटी होगी प्रोडक्ट साइड में। अब बताइए हाइड्रोक्साइड कौन से इनसॉल्युबल, ऑल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड इनफैक्ट हम कह लें, ऑल मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फर्स्ट है, एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड पानी में सॉल्युबल होते हैं। देन हमारे पास आता है बेरियम प्लस टू, स्ट्रॉन्शियम प्लस टू। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, वो बात मैंने लिखी है। जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड बनने वाले हैं वो सब यहाँ प्रेसिपिटेट करेंगे, लेकिन फर्स्ट ए प्रेसिपिटेट नहीं करेगा, वो सॉल्युबल होगा। तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगी, आगे नहीं जाएगी। और स्ट्रॉन्शियम प्लस टू, हमें प्रेसिपिटेशन नजर नहीं आएगा। स्ट्रॉन्शियम प्लस टू, बेरियम प्लस टू, ये तीनों के तीनों वाटर सॉल्युबल हैं, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्पेरिंगली सॉल्युबल है। दैट्स इट। जब ये प्रेसिपिटेशन हो जाएगा फिर हम NaOH को एक्सेस में डालेंगे। अगर एग्जाम में दिया NaOH डाला, मतलब एक्सेस नहीं दिया है, NaOH एक्सेस लिखेगा तो एक्सेस डाला जाएगा। अब बताइए ये एक हाइड्रोक्साइड और NaOH हमने उस पर डाला, NaOH इससे रिएक्शन कब करेगा, ऑफकोर्स NaOH तभी रिएक्शन करेगा क्योंकि NaOH एक बेस है। तो ये कैसा होना चाहिए, आइदर एसिडिक होना चाहिए और आइदर एम्फोटेरिक होना चाहिए, या तो ये एम्फोटेरिक हो या एसिडिक हो तो NaOH इससे रिएक्शन करेगा। अब मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं जनरली एम्फोटेरिक ही होते हैं, जो भी एम्फोटेरिक होते हैं, इनफैक्ट हम ये कहना चाहेंगे मेटल के हाइड्रोक्साइड जो भी यानी एसिडिक कमी होते हैं, जो भी एम्फोटेरिक होते हैं वही रिएक्शन करेंगे किसके साथ में, NaOH के साथ। ये देखिए यहां पर एम्फोटेरिक कौन कौन से हैं, देखा जाए तो होने को तो बहुत सारे हैं। जैसे अगर अपन एल्कली मेटल की बात करें तो उसमें कोई भी नहीं है। एल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम है, बोरोन फैमिली में एल्यूमिनियम और गैलियम है, लेकिन हमने बहुत लिमिटेड ही यहाँ पर लिखे। क्यों, ये वही हैं जो कैटायन हमारे सिलेबस में है। क्या हमें कैटायन की डिटेक्शन करना है तो होने को सारे एम्फोटेरिक मेटल्स यहाँ आएंगे, लेकिन हमें याद कौन से रखना है जो हमारे सिलेबस में से बेरिलियम भी इनफैक्ट हमको नहीं पढ़ना। क्या एल्यूमिनियम क्रोम प्लस थ्री, क्रोमियम प्लस थ्री, ZN प्लस टू और PB प्लस टू है जो कि एम्फोटेरिक है। तो ये रिएक्शन सेकेंड स्टेप में दिखाएंगे, तब ये बनाएंगे सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। मैं वापस रिवाइज करा देता हूँ, इनिशियली मेटल कैटायन लेना है, एक्वस फॉर्म में NaOH डालना है, प्रेसिपिटेशन आएगा किन का, सभी का आएगा, किसका नहीं आएगा, फर्स्ट ए का, SR प्लस टू का, BA प्लस टू का, प्रेसिपिटेशन नहीं आएगा। फिर एक्सेस NaOH डालने पर उनमें से जो प्रेसिपिटेट हुए हैं उनमें से एम्फोटेरिक वाले सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट ये है PPT, इसकी अपन बात करते हैं। इसमें हमें सारे आंसर भरते चलना है, बताइएगा, आप बताते जाइएगा, आंसर देते जाइएगा, मैं यहां पर आपको डिस्कस करता जाता हूं। सबसे पहला मेरे पास है AG प्लस वन,
एजी प्लस वन के साथ अगर एनओएच रिएक्शन करेगा तो एजीओएच बनेगा, क्या बनेगा? एजीओएच। लेकिन अगर वाटर का कंसंट्रेशन कम हुआ, एक्वस मीडियम कम हुआ, तो एजी2ओ बनेगा। तो हमारे पास या तो यहां बनेगा एजीओएच या फिर हम उसको कह सकते हैं एजी2ओ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बन गया। अब अगला स्टेप एक्सेस एनएएच, क्या ये एम्फोटेरिक है? नो, तो ये सेकंड स्टेप शो नहीं करेगा, खत्म। तो बताइए इसका मतलब एजी प्लस वन के एक्वस में जैसे एनएएच डालेंगे तो आंसर क्या आएगा? एजी2ओ का प्रेसिपिटेशन। एक्सेस डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर। पीबी प्लस टू, क्या यहां पर बनेगा पीबीओएच होल ट्वाइस इनसॉल्युबल? व्हाइट पीपीटी होता है, व्हाइट पीपीटी है, पी ब्लॉक के व्हाइट पीपीटी होते हैं। लेकिन एक्सेस डालेंगे तो क्या कुछ बनेगा? हां बनेगा, ये बनेगा पीबी OH होल 4 और यहां बाहर आ जाएगा Na2। द क्वेश्चन इज ये सॉल्युबल है, द क्वेश्चन इज कि ये 4 क्यों आया? मैं आपको बताता हूं, जितने भी आंसर हम यहां लिखने वाले हैं सभी के अंदर आपको हाइड्रोक्साइड 4 लेके चलना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लेके चलना है। क्रोमियम के केस में, किसके केस में? क्रोमियम के केस में 4 भी पॉसिबल है, 6 भी पॉसिबल है, लेकिन हमें लेकर हर जगह पर 4 चलना है तो भी हम करेक्ट आंसर पे पहुंचेंगे। क्लियर है? आगे चलें तो हमारे पास कॉपर आता है, क्या कॉपर यहां पर CuOH होल ट्वाइस का पीपीटी दिखाएगा? क्या आपको मालूम है ये ब्लू कलर का पीपीटी होता है? एक्सेस डालने पर कोई आंसर आएगा? नो, कोई आंसर नहीं आएगा। कारण? अरे एम्फोटेरिक थोड़ी है। आगे चलते हैं, बिस्मत, क्या आएगा यहां पर? BiOH होल थ्राइस, क्या ये BiOH होल थ्राइस का व्हाइट पीपीटी आएगा? बिल्कुल व्हाइट पीपीटी आएगा। एक्सेस डालने पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, कारण? बहुत सिंपल सा कारण है, क्या एक्सेस डालने पर तभी प्रोसेस हो सकता है जब ये एम्फोटेरिक हो, बिस्मत एम्फोटेरिक नहीं है। एचजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या एचजी में आप एचजीओएच होल ट्वाइस बनाओगे? लेकिन अगेन, क्योंकि यहां पर थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्रोक्साइड्स की कम होती है एचजी के केस में, एजी के केस में, तो यहां ऑक्साइड बनते हैं, तो इसलिए यहां क्या बनेगा? एचजीओ बनेगा। अगर हमने एक्सेस डाला तो कोई रिएक्शन? नो, कोई रिएक्शन नहीं होगी। कारण? बड़ा सिंपल सा कारण है, क्योंकि ये एम्फोटेरिक नहीं है। कैडमियम, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। CDOH होल ट्वाइस व्हाइट पीपीटी आएगा, यहां कोई आंसर नहीं आएगा, एम्फोटेरिक नहीं है। क्रोमियम, CrOH होल थ्राइस इनसॉल्युबल, क्या CrOH होल थ्राइस इनसॉल्युबल ग्रीन कलर का होता है? याद रखिएगा, लेकिन यहां पर क्या बनेगा? CrOH होल 4, क्रोमियम पे प्लस 3, OH पे माइनस 4, तो यहां क्या आना चाहिए? माइनस 1। तो आप चाहें तो आप बाहर एक सोडियम लिख सकते हैं, NaCrOH होल 4 नेगेटिव। तो ये पानी में सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनते जा रहे हैं। एल्यूमिनियम, आंसर सेम, AlOH होल थ्राइस, ये जिलेटेनियस व्हाइट पीपीटी होता है, व्हाइट पीपीटी बोल सकते हैं, जिलेटेनियस होता है थोड़ा सा। और यहां जो प्रोडक्ट बनेगा, सेम आंसर, NaAl OH होल 4, और ये क्या आ गया? एक्वस। Fe की बात करेंगे तो यहां बनेगा FeOH होल थ्राइस, और ये रेडिश ब्राउन रस्ट का कलर होता है, उसका कलर का होता है पीपीटी। लेकिन यहां पर कोई पीपीटी, यहां पे कोई सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता, एम्फोटेरिक नहीं है। इस जगह क्या आएगा? FeOH होल ट्वाइस का पीपीटी ग्रीन कलर का होता है, और यहां पर कोई सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। यहां पर निकिल का बन जाएगा NiOH होल ट्वाइस इनसॉल्युबल, ये भी ग्रीन कलर का होता है, लेकिन यहां सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। मैं बार बार जो कलर्स बोल रहा हूं वो आपको लर्न भी करने हैं, कलर अलग से आप जो पूरे साल की सीरीज होती है उसके अंदर देख सकते हैं। यहां अगर हम देखें तो कोबाल्ट के केस में COOH होल ट्वाइस इनसॉल्युबल बनेगा, विच इज ऑफ पिंक कलर, कैसे कलर का है? पिंक कलर का पीपीटी है, यहां नहीं बनेगा, एम्फोटेरिक नहीं है। MN के केस में अगर हम देखें तो यहां पर पीपीटी बनेगा MnOH होल ट्वाइस बफ कलर, या पिंक भी बोल सकते हैं, पिंक कलर का पीपीटी बनेगा, जबकि यहां नहीं बनेगा। Zn के केस में क्या चेंज आएगा देखते हैं। ZnOH होल ट्वाइस इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल है ZnOH होल ट्वाइस, व्हाइट कलर का पीपीटी है, लेकिन यहां पर क्या होगा? ZnOH होल 4 और 2 माइनस, क्या ये एक्वस? क्योंकि ये एम्फोटेरिक है। बेरियम के केस में स्टेप नंबर 1 ही नहीं होगा, क्यों? सॉल्युबल है तो स्टेप नंबर 1 नहीं होगा, तो सेकंड स्टेप छोड़ दीजिए। स्ट्रॉन्शियम के केस में नहीं होगा, यहां पर स्पेरिंगली सॉल्युबल है, थोड़ा सा मसाला बनेगा, थोड़ा सा बांध लेते हैं CaOH होल ट्वाइस का, थोड़ा सा पीपीटी आएगा, लेकिन ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होने के कारण हम इसको कभी क्वेश्चन में प्रेसिपिटेशन वर्ड काम में नहीं लेते हैं, थोड़ा बनेगा लेकिन इक्विलिब्रियम में रहेगा, सेकंड स्टेप पॉसिबल नहीं है। MgA केस के अंदर बनेगा, पहला स्टेप होगा MgOH होल ट्वाइस का पीपीटी आएगा, लेकिन सेकंड स्टेप नहीं होगा। लेकिन अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज NH4 पॉजिटिव। बता सकते हैं अगर मैंने NH4 पॉजिटिव पर NaOH डाला तो क्या होगा? कोई पीपीटी आएगा? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर NH4OH बन जाएगा, अरे सुनो ऐसा नहीं है, क्या ये OH माइनस अटैक करेगा H प्लस पे, NH4 पॉजिटिव के H प्लस पे, और क्या बना देगा? अमोनिया गैस बना देगा।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी कभी भी हमको NH4 पॉजिटिव पर एनीवेयर डालेंगे तो अमोनिया गैस बन जाएगी. ये बात सभी को समझ में आ गई. दिस इज रिएजेंट नंबर वन जो कि हमने पढ़ा NaOH, बहुत परफेक्टली आपको समझ में आना चाहिए. सेकेंड रिएजेंट की तरफ चलते हैं, ये आप एक बार कॉपी कर लीजिएगा. ठीक है, ओके हम सेकेंड रिएजेंट की तरफ चलते हैं. सेकेंड रिएजेंट हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग है, NH4OH, या इसको हम अमोनिया सोल्यूशन भी कह सकते हैं, या हम अमोनिया एक्वस भी, कुछ भी एग्जामिनर लिख सकता है. सोचने की बात यह है कि जब भी हम NH3 के साथ पानी को लिखते हैं तो उससे क्या बनाते हैं, हम NH4OH बनाते हैं. तो चाहे हमको अमोनिया एक्वस लिखे, चाहे अमोनिया प्लस पानी लिख कर दे, चाहे अमोनिया NH4OH की फॉर्म में लिख कर दे, तीनों का मतलब सेम है. लेकिन एक बात समझनी थी कि जब अपन NaOH को ले रहे थे इसके पहले तो वो बना रहा था Na प्लस और OH माइनस, इनफैक्ट इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. लेकिन जब हम NH4OH को लेंगे तो ऐसी कंडीशन में ये बनाएगा NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव. जरा आप सोच के बताइए, क्या ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है? तो OH माइनस की कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा होगी, क्या यहाँ ज्यादा होगी कि यहाँ? ऑफ कोर्स 100% ऊपर वाले केस में ज्यादा होगी और नीचे वाले केस में OH माइनस की कंसंट्रेशन कम होगी. कहना क्या चाहता हूँ, कहना अभी बताता हूँ यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है. देखिए जरा बोर्ड पर अगला स्टेप. इसमें हमने जब वही M पॉजिटिव एक्वस लिया और OH माइनस का अटैक कराया, OH माइनस की कंसंट्रेशन कम है पर है, और प्रेसिपिटेशन ड्राइविंग फोर्स है तो वही प्रेसिपिटेट करेगा जो इनसॉल्युबल है. अगेन वहां पे रिवाइज करते हैं, ऑल मेटल हाइड्रोक्साइड आर वाटर इनसॉल्युबल. सॉल्युबल कौन है? फर्स्ट ए सॉल्युबल है और सेकेंड डे के अंदर बेरियम और स्ट्रॉन्शियम भी सॉल्युबल है. कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड स्पेरिंगली सॉल्युबल है, बट यहां क्या, क्या कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट कर ही नहीं पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट करने के लिए OH माइनस ज्यादा चाहिए, यहां कम आ रहा है. तो यहां पे पक्की बात है कि ये लोग प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे. सेकेंड स्टेप में जब NH4OH एक्सेस डाला तो क्या, देखो अभी अभी अपन ने डिस्कस किया OH माइनस की कंसंट्रेशन कैसी है यहां पर, कम. तो जिस तरह से NaOH जब डाला था तो उसने एम्फोटेरिक के साथ रिएक्शन करी थी, यहाँ तो OH माइनस की कंसंट्रेशन बहुत कम है, ये वीक बेस है, ये किसी भी हालत में रिएक्शन नहीं करेगा एम्फोटेरिक के साथ, तो यहाँ कुछ नई रिएक्शन होगी. सोचो हमने एक्सेस डाला, एक्सेस का मतलब क्या, हमने रिएजेंट एक्सेस डाला, तो यानी कि कौन कौन एक्सेस डाला, क्या NH3 और वाटर एक्सेस डाला, क्या इनको मिलाकर हमने NH4OH बनाया. अटैकिंग स्पीशीज ढूंढते हैं, क्या अटैकिंग स्पीशीज में मेरे पास OH माइनस एक अटैकिंग स्पीशीज है, क्या OH माइनस जो अटैकिंग स्पीशीज है क्या वो कंसंट्रेशन में कम है? लेकिन क्योंकि रिएजेंट एक्सेस में है तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट हम एक्सेस मान सकते हैं. इन दोनों में से बेटर डोनेटिंग पावर, या अपन कह सकते हैं बेटर डोनर या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है, अमोनिया. तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वो किसके बनेंगे, अमोनिकल कॉम्प्लेक्स बनेंगे. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबल अमोनिकल कॉम्प्लेक्स बनने वाले हैं. अब आती है इंपॉर्टेंट बात कि जब अमोनिया अटैक करेगा और सॉल्युबल अमोनिकल कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो ये सॉल्युबल अमोनिकल कॉम्प्लेक्स किसके बनेंगे. देखो ये बनेंगे डी ब्लॉक वालों के. डी ब्लॉक आर मोर प्रोन टुवार्ड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ज्यादा उतावले रहते हैं, डी ब्लॉक वाले बनाएंगे. डी ब्लॉक वालों में से कौन नहीं बनाएगा, ये लोग नहीं बनाएंगे. अब शब्द आता है सर, क्या केमिस्ट्री में एक्सेप्शन याद करने पड़ेंगे, एक्सेप्शन नहीं है. केमिस्ट्री एक बहुत ह्यूज सब्जेक्ट है और हम एक थ्योरी बनाते हैं तो थ्योरी अधिकतर चीज़ों को एक्सप्लेन करती है, लेकिन प्रकृति जो पूरी दुनिया है क्या वो 100% उस थ्योरी पर डिपेंड नहीं कर सकती. तो देर आर सेवरल टाइम्स जब वो कुछ चीज़ें उस लीक से हटकर चलती हैं. वैसे ही मैं कहना, अच्छा एक्सेप्शन वो नहीं है जिसको रटना पड़े, एक्सेप्शन वो है जिनको समझना पड़े लेकिन लीक से हटके चलती है. ये समझ के हम आंसर खत्म कर देंगे. Fe+2, Fe+3 और Mn+2, ये तीन लोग. उसके बाद Hg के दो, Hg+2 और Hg+1, ये अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते. मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन. Fe+2, Fe+3 और Mn+2 के साथ केस ऐसा है कि जब आप इस पर अमोनिकल कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हो तो ये, इसका मतलब के फॉर्मेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, उसकी रेट बहुत कम होती है. क्योंकि इन कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए, आपको याद होगा कि आपने पढ़ा था, इन लोगों के लिए स्पेशली Fe+2 और Mn+2 के लिए अमोनिया वीक फील्ड की तरह बिहेव करने लग जाता है. इनका बॉन्डिंग अमोनिया के साथ उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, इसीलिए अमोनिया एक्वस यानी कि अमोनिया के साथ
डाइल्यूशन हो गया, मिक्सिंग हो गई पानी की, तो अमोनिया कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा। आप अमोनिया गैसियस फेज में डालें या हायर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डालें तो कॉम्प्लेक्स ये तीनों बना लेंगे। हमारे को दिमाग नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि हमारे को एक्सिस के अंदर जो दिया गया है वो अमोनिया एक्वस ही दिया गया है, तो हम क्या बोलेंगे, Fe प्लस टू, Fe प्लस थ्री और Mn प्लस टू तीनों अमोनिकल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। बात आती है Hg और Hg प्लस टू की, Hg प्लस वन और Hg प्लस टू की, ये दोनों के साथ क्या रिएक्शन होती है इस नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे हमने करा वैसे हमें रिवाइज करेंगे, देखते हैं। मैंने नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर ली है, नेक्स्ट स्लाइड हमें इसको भरनी है, अभी भरते हैं। बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे चलेंगे, पहले रिवाइज करते हैं। बताइए क्या था, NH4OH लिमिटेड अमाउंट में डाला जाएगा तो सारे के सारे प्रेसिपिटेट देंगे, कौन प्रेसिपिटेट नहीं देगा, फर्स्ट है SR प्लस टू, BA प्लस टू, कैल्शियम प्लस टू प्रेसिपिटेट नहीं देंगे। सेकेंड स्टेप में D ब्लॉक के कॉम्प्लेक्स बना लेंगे सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, और सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कौन नहीं बनाएगा एक्सेप्शनली, Fe प्लस टू, Fe प्लस थ्री, Mn प्लस टू और मरकरी, ये प्रेसिपिटेट, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। दैट्स इट, एक एक करके सारे एग्जाम्पल लेते हैं। पहला नंबर मेरे पास आता है ए जी, क्या ए जी का ओ एच के साथ रिएक्शन अभी मैंने बताया था, क्या बनता है ए जी टू ओ या ए जी ओ एच, डिपेंडिंग ऑन द वाटर कंसंट्रेशन। प्रेसिपिटेट क्या ये डी ब्लॉक का है तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, और कॉम्प्लेक्स बनेगा ए जी एन एच थ्री होल ट्वाइस प्लस वन। ए जी का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर टू होता है, ये याद रखेगा, जरूरी है। आगे आता है पीबी, क्या पीबी यहां तक का वर्क करेगा, पीबी ओ एच होल ट्वाइस इनसॉल्युबल पर ये नहीं करेगा। सेकेंड स्टेप कौन करता है, डी ब्लॉक वाले, यानी कि ये स्टेप नहीं होगा। आगे चलते हैं कॉपर के अंदर, ये बनाएगा सी यू ओ एच होल ट्वाइस इनसॉल्युबल, पक्का बनाएगा, और अमोनिकल कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं स्टार लगाता हूं यहां पर टू प्लस, ये ब्लू कलर का सोल्यूशन है और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, सी यू एन एच फोर होल CuNH3 होल 4 प्लस 2, ब्लू कलर का अमोनिकल कॉम्प्लेक्स, कॉपर का अमोनिकल कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या इसका कुछ नाम भी होता है, कॉपर अमोनिकल सल्फेट कुछ नाम होता है, स्विट्जरस रिएजेंट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, स्विट्जरस रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, और वैसे यहां पर Ag का NH3 के साथ जो कॉम्प्लेक्स हम बनाते हैं ये टॉलेंस रिएजेंट कहलाता है, ये टॉलेंस रिएजेंट कहलाता है। बिस्मथ की बात करेंगे तो पहले प्रेसिपिटेट आएगा BiOH होल थ्राइस का पीपीटी, सेकंड स्टेप नहीं होगा Hg, मरकरी को समझाता हूं। यहां पर देखेंगे क्या Hg2+ पे जब हम NH4OH डालते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, पहले लिख देता हूं, प्रोडक्ट बनता है HgO डॉट Hg NH2 और X, व्हाट इज दिस X, जो भी यहां एनायन होगा वो हम यहां लिख देते हैं। कैसे समझाता हूं, Hd पे मान लेते हैं दो क्लोरीन लगे हैं और यहां पर इस पर जो अटैक हो रहा है वो NH4OH का, अटैकिंग स्पीशीज कौन कौन है, अटैकिंग स्पीशीज या तो OH- है या फिर अमोनिया है। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि इनिशियली जैसे कि सब्जेक्ट अटैक होता है OH- ने अटैक किया और क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया, द फॉर्मेशन ऑफ HgCl और OH टेकिंग प्लेस, यहां पर HgOH और Cl बन गया। इस समय पर क्लोरीन Hg के साथ उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाएगा ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, तो ऑक्सीजन पलटेगा और क्लोरीन निकल के चला जाएगा, साथ साथ में H को भी ले जाएगा, माइनस HCl कर देता हूं और प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा वो बन जाएगा HgO, ये कंपाउंड बन गया HgO, इस तरह तो HgO बना। सेकेंड स्टेप जब अपन ने ये करा लिया, लेकिन कंसंट्रेशन जितनी हमने डाली उसमें बाकी बचे अमोनिया के मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं वो बताता हूँ। दो स्टेप में, एक तो OH- ने अटैक करा वो मैंने आपको समझा दिया, सेकंड अमोनिया जो अटैक करेगी वो कैसे करेगी, अगर इस पर अमोनिया ने अटैक किया तो अगेन क्या होगा, क्या अमोनिया Cl को हटा देगी, बताओ क्या बनाएगी, HgCl और NH2, एक अपन ने H+ हटा दिया, माइनस H+। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या हो सकता है, क्या जैसे यहां हुआ कि अमोनिया का लोन पर घूमेगा सीएल निकलेगा, हो तो सकता है, बट प्रॉब्लम यहां पर क्या है, क्या इस समय पर नाइट्रोजन और एचजी के साथ, जैसे यहां पर ये कोवेलेंट सिस्टम बन रहा है एचजीओ का, एचजीओ जो कंपाउंड बन रहा है एचजी उस तरह से एनएच2 के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा तो क्लोरीन नहीं निकलेगा, कोवेलेंट करेक्टर है इसके अंदर तगड़ा, लेकिन यहां पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो दूसरा स्टेप सोचते हैं क्या अमोनिया और अटैक कर दे सर। ठीक है, अगर अमोनिया इस पे अटैक करे तो क्यों अटैक करे, क्योंकि इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज के चक्कर में कौन अटैक करेगा, अमोनिया, बट हुआ क्या वो समझते हैं, क्या बताओ यहां पर जैसे कि हमने यहां बॉन्ड पलटा था वैसे यहां पर भी बॉन्ड पलटेगा, क्या इसको बैक बॉन्ड कहेंगे,
क्या ये जो बैकबोन बनेगा उससे मरकरी का ये वाला चार्ज का डिक्रीज हो जाएगा? अगर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा तो सेकेंड स्टेप में अमोनिया का अटैक नहीं हो पाएगा एंड फाइनल प्रोडक्ट इज एच जी सी एल एंड एन एच टू। यही मैंने यहाँ प्रोडक्ट बनाया, एच जी एन एच टू सी एल। तो बताइए, चाहे यहाँ कम डालें चाहे ज्यादा डालें, क्या कंपाउंड बनने वाला है? एच जी ओ डॉट एच जी एन एच टू एक्स इज द आंसर। चाहे कम अमाउंट डालें चाहे ज्यादा अमाउंट डालें, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? एच जी ओ डॉट एच जी एन एच टू एक्स। आप बहुत इजीली इस बात को समझ गए होंगे। क्या ये अमोनिकल कंपाउंड्स का भी टेस्ट होता है? जब आप एच जी का कोई कॉम्प्लेक्स है, एच जी लेकर चलते हैं और क्या अमोनिया है या नहीं ये चेक करने के लिए उल्टी रिएक्शन करें। क्या यहाँ एच जी को चेक करने के लिए हमने अमोनिया डाला? क्या अमोनिया को चेक करने के लिए एच जी भी डाल सकते हैं? बात समझ में आ रही? आगे चलते हैं। कैडमियम, कैडमियम यहाँ बनाएगा सी डी ओ एच होल ट्वाइस का पीपीटी और यहाँ पर कैडमियम का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा सी डी ओ एच होल फोर टू प्लस। ये कॉम्प्लेक्स बन गया कैडमियम का, टू प्लस टू माइनस होगा, टू माइनस। आगे चलते हैं क्रोमियम, क्रोमियम का सी आर ओ एच होल थ्राइस का पीपीटी आएगा जबकि यहां आएगा सी आर ओ एच, ओ एच क्यों? यहां अमोनिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना तो एन एच थ्री लगाना है, एन एच थ्री। यहां पर भी क्या लगेगा? एन एच थ्री। ये क्रोमियम के साथ होल सिक्स आएगा और इस समय पर क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस थ्री। यहां पर क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस टू। बड़ा सिंपल सा है, मैं यहां पर ओ एच लिख गया था हाइड्रोक्साइड वाला, जबकि यहां तो अमोनिया डाला जा रहा है तो अमोनिकल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरे पास आता है एल्यूमिनियम। क्या एल्यूमिनियम पहले स्टेप में ए एल ओ एच होल थ्राइस का पीपीटी बनाएगा लेकिन सेकेंड स्टेप वो सॉल्व नहीं करेगा क्योंकि वो डी ब्लॉक का नहीं है। एफ ई एक्सेप्शन है। क्या एफ ई ओ एच होल थ्राइस का पीपीटी आएगा लेकिन यहां नहीं आएगा क्योंकि ये एक्सेप्शन है। यहां आएगा एफ ई ओ एच होल ट्वाइस का पीपीटी लेकिन आगे नहीं जाएगा क्योंकि ये एक्सेप्शन है। फिर निकिल का आएगा एन आई ओ एच होल ट्वाइस पीपीटी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निकिल का साइनो कॉम्प्लेक्स और अमोनिकल कॉम्प्लेक्स फेवरेट क्वेश्चंस हैं आईआईटी के। यहां देखें तो एन आई एन एच थ्री होल सिक्स और टू प्लस ये आंसर बनेगा, यहां पर अमोनिकल सिक्स आएगा, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा और ये इंपॉर्टेंट है आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां देखें तो कोबाल्ट बनाएगा सी ओ ओ एच होल ट्वाइस इनसॉल्युबल और इस जगह कॉम्प्लेक्स बनेगा कोबाल्ट का एन एच थ्री होल सिक्स टू प्लस का कॉम्प्लेक्स बनेगा कोबाल्ट का। एम एन के साथ में कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, पहला स्टेप तो होगा, पहला स्टेप में एम एन ओ एच होल ट्वाइस का पीपीटी आएगा, सेकेंड स्टेप नहीं होगा क्योंकि हमने एक्सेप्शन लिखा था, ये तीन एक्सेप्शन हमने बोल लेते एफ ई एफ ई प्लस टू एफ ई और एम एन प्लस टू। जेड एन, जेड एन के साथ यहां आएगा जेड एन ओ एच होल ट्वाइस का इनसॉल्युबल और यहां पर कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा जेड एन एन एच थ्री होल फोर टू प्लस का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी सबके सब यहां टेस्ट नहीं देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज जो देखने लायक वो क्या है, क्या जिंक NaOH के साथ भी कॉम्प्लेक्स बना रहा है क्योंकि वो डी ब्लॉक का भी और एम्फोटेरिक है। और एक और ऐसा है कौन, क्रोमियम, क्या वो डी ब्लॉक का भी और एम्फोटेरिक भी है? तो क्रोमियम और जिंक ऐसे हैं जो कि NaOH के साथ भी टेस्ट देते हैं और NH4OH के साथ भी टेस्ट देते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम और पीबी दो ऐसे हैं जो कि सिर्फ किसके साथ टेस्ट देते हैं, NaOH के साथ देते हैं लेकिन NH4OH के साथ टेस्ट नहीं देते हैं। तो ये दोनों के बीच में इंपॉर्टेंट भी है कि ऐसा बोला जाता है सेपरेट कैसे करें NH4OH या NaOH, तो NaOH के साथ टेस्ट देंगे तो ये तो NaOH के साथ भी देंगे और NH4OH के साथ भी देंगे, लेकिन ये दोनों सिर्फ किसके साथ देंगे, NaOH के साथ। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर JEE पॉइंट ऑफ व्यू, जिसके अंदर हमने पहला NaOH पढ़ा दूसरा NH4OH पढ़ा। ये बात समझ में आ गई सभी के? ठीक है, ओके। नेक्स्ट रिएजेंट जो हमारे पास है दैट इज KCN, पढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट रिएजेंट आता है KCN। KCN की क्या इंपॉर्टेंस है देखें ध्यान से, अगेन CN माइनस अटैक करेगा। पहला स्टेप तभी होगा जब सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन सॉल्युबल ये इनसॉल्युबल कंपाउंड बनेगा, साइनो कोई कंपाउंड बनेगा इनसॉल्युबल। ये कब होता है? जब m इज इक्वल्स टू ऑल, सबके लिए पॉसिबल है, जितने भी कंपाउंड्स हैं सारे के सारे मेटल साइनाइड्स पानी में इनसॉल्युबल है। सॉल्युबल कौन है? ये तीन सॉल्युबल है, फर्स्ट है, सेकेंड है और एच जी प्लस टू, ये सॉल्युबल है। एच जी की कहानी भी अलग है। मरकरी कहानी क्या है कि अगर मैं बात करूँ एच जी सी एन होल ट्वाइस की तो ये बनता तो है रिएक्शन से, जैसे अगर अपन रिएक्शन कराएं एच जी टू प्लस प्लस सी एन माइनस तो ये बनेगा एच जी सी एन होल ट्वाइस।
अब सवाल आता है कि सर ये तो रिएक्शन आ गई तब जाती है जब ये सॉल्युबल हो, सॉल्युबल हो, ये इनसॉल्युबल हो. इंपॉर्टेंट इसका इनसॉल्युबल होना नहीं है, इंपॉर्टेंट है आयन कॉम्बिनेशन. ये दोनों आयन जो है ये दोनों मिलते हैं और ये बना लेते हैं, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. पानी में सॉल्युबल तो है लेकिन आयन्स नहीं देता. जैसे अल्कोहल पानी में सॉल्युबल है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है, पर है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मान लो, पर सॉल्युबल है, पर आयन्स में थोड़ी कन्वर्ट हो रही है. जितनी भी चीजें पानी में सॉल्युबल होती है जरूर थोड़ी वो आयन्स में टूटे. वैसे ये भी एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में सॉल्युबल तो है बट इसके आयन्स हमें नहीं मिलते. तो इसीलिए पहले स्टेप के अंदर ये वाली रिएक्शन एचजी के लिए होगी पर प्रेसिपिटेट नहीं करेगा. डन. फिर आते हैं सेकेंड स्टेप पे. सी एन माइनस जब एक्सेस डालेंगे तो सॉल्युबल साइनो कॉम्प्लेक्स बनेंगे. वो किसके? डी ब्लॉक के. मैंने अभी भी कहा था डी ब्लॉक साइनो कॉम्प्लेक्स बनाएगा. क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक की टेंडेंसी कॉम्प्लेक्स बनाने की बाकी सबसे ज्यादा है. अब अगर ये बात समझ में आ गई है तो आगे चलते हैं, इस चार्ट को कंप्लीट करते हैं. मैं चार्ट को कंप्लीट करने के पहले फिर रिवाइज करूंगा. बोलिए, सबसे पहले साइनो इनसॉल्युबल कौन बनाएगा साइनो कंपाउंड्स? तो वो हम कहेंगे सब बनाएंगे, फर्स्ट डे, सेकेंड डे और एच जी प्लस टू को छोड़ के. एच जी प्लस टू रिएक्शन तो करेगा और बनाएगा सॉल्युबल कंपाउंड. ठीक है. फिर एक्सेस सी एन डालने के ऊपर कौन सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा? सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा कौन? डी ब्लॉक, और उसमें से एच जी प्लस टू नहीं बनाएगा. फटाफट आंसर करते जाते हैं. क्या यहां पर लिमिटेड के सी एन डालने पर यह बनाएगा ए जी सी एन? ओके, प्रेसिपिटेट हो जाएगा. और सेकेंड स्टेप में यह बनाएगा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ए जी सी एन होल ट्वाइस, और यहां पर आ गया माइनस वन एक्वस, कोऑर्डिनेशन नंबर टू अगेन. चलते हैं फिर आगे पीबी के साथ. पीबी के साथ ये बनाएगा पीबी सी एन होल ट्वाइस इनसॉल्युबल. हाँ हाँ, पीबी बनाएगा इनसॉल्युबल कंपाउंड और यहां पर कुछ नहीं होगा क्योंकि डी ब्लॉक का नहीं है. कॉपर बनाएगा सी यू सी एन होल ट्वाइस और प्रेसिपिटेट नहीं. इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो जरा बोर्ड पर देखेंगे कि कॉपर 2 प्लस की जब साइनाइड के साथ रिएक्शन होती है जिसको अपन KCN कह सकते हैं, तो ये बनाना चाहिए था CuCN होल ट्वाइस. ये IIT में कम से कम चार बार क्वेश्चन आ चुका है. लेकिन यहां पर IMR रिएक्शन हो जाती है, IMR इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स, और उस इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स के चलते हमें जो चीज मिलती है वो मिलती है CuCN प्लस साइनोजन गैस. ये मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है साइनोजन गैस. कॉपर 2 प्लस से कॉपर प्लस 1 में आ गया और कॉपर प्लस 1 एक्सेस KCN डालने पर, KCN को अगर अपन ने एक्सेस अमाउंट में डाला तो ये क्या बना लेगा? सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 CuCN होल 4. कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 1, साइनाइड पे 4 माइनस, बाहर क्या आ जाएगा? 1K या K3. K3CuCN होल 4 इज द राइट आंसर. तो यहां पर क्या बनेगा? CuCN होल ट्वाइस बनेगा या CuCN बनेगा? यहां बनेगा CuCN और यहां कॉम्प्लेक्स बनेगा K3CuCN होल 4. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिस्मत की बात करते हैं, देखो बिस्मत के केस में क्या होगा, पहले BiCN होल ट्वाइस बनेगा लेकिन ये हाइड्रोलाइज हो जाता है. बिस्मत और एल्यूमिनियम ये दोनों हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, इसलिए हमें हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट मिलते हैं. तो यहाँ बनेगा BiOH होल थ्राइस, यहाँ नहीं बनेगा. HG के केस में हमें पता ही पड़ गया था HGCN होल ट्वाइस इज द राइट आंसर, यहाँ नहीं बनेगा. ये प्रेसिपिटेट नहीं है, बस ध्यान रखना ये सॉल्युबल कंपाउंड है. आगे चलते हैं कैडमियम केस में. CDCN होल ट्वाइस का PPT आएगा, यहाँ कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 CDCN होल 4 और यहाँ पर कितना माइनस लिख दूं? 2 माइनस लिख सकते हैं अपन इजीली. आगे चलते हैं क्रोमियम. क्रोमियम के केस में CrCN होल थ्राइस का PPT आया और CrCN होल थ्राइस का PPT एक्सेस डालने पर क्या बना लेगा? CrCN होल 6 और यहां पर 3 माइनस. इधर चलते हैं एल्यूमिनियम के केस में. ये मैंने कहा था हाइड्रोक्साइड बना लेगा AlOH होल थ्राइस, ये और ये दो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ये रिएक्शन नहीं होगी आगे. Fe के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट, अपने आप ही आपको पकड़ में आएगा, देखना. FeCN होल थ्राइस बनेगा, एक्सेस डालने पर क्या बनेगा? K3FeCN6. क्या K3FeCN6 का प्रिपरेशन हमने पढ़ लिया? K3FeCN6. अगला जो एग्जाम्पल है वो यहां बनेगा FeCN होल ट्वाइस और यहां पर जो बनेगा वो क्या बनेगा? K4FeCN होल 6. ये कॉम्प्लेक्स बन गया है, सब सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनते जा रहे हैं. निकिल के केस में, ये निकिल के केस को तो हमको वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोलना है. निकिल का अमोनिया मैंने अभी इंपॉर्टेंट बताया था, ये साइनाइड इंपॉर्टेंट है. निकिल बार बार एग्जामिनर पूछता है NiCN होल ट्वाइस इनसॉल्युबल, ये छोड़ो ये इंपॉर्टेंट है. क्या बनेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर
वहाँ आया था 6, यहाँ आएगा 4, विच इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, -2 के ऊपर चार्ज होगा, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट. कोबाल्ट, कोबाल्ट के केस में यहाँ आ गया CO, CN, होल्ड ट्वाइस, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये आ गया कोबाल्ट CN होल 6, और यहाँ पे -4 का चार्ज आ गया है. MN के केस में यहाँ बनेगा MN साइनाइड CN होल ट्वाइस, और इस जगह बनेगा MN CN होल 6, और यहाँ पे -4 का चार्ज आ गया है. इसके अलावा ZN, ZN बनाएगा ZN CN होल ट्वाइस, यहाँ पर ZN CN होल 4, और -2 का चार्ज आ गया है. बच्चों को थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन नंबर याद करने में दिक्कत होगी, पर अब याद करने ही पड़ेंगे. थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल और समझा दूंगा. दिस इज एवरीथिंग अबाउट साइनाइड, एंड जो इंपॉर्टेंस है साइनाइड की वो आपके सामने है. दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, कॉपर और निकल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर है. अगले और लास्ट रिएजेंट पे चलते हैं, दैट इज KI, और वो इतना फुर्ती से हो जाएगा, बहुत ईजी सा रिएजेंट है. हम KI पे चलते हैं नेक्स्ट नंबर, ये कॉपी हो गया होगा, नेक्स्ट नंबर KI पे चलते हैं. नेक्स्ट इज KI, KI दैट इज सोर्स ऑफ I माइनस. अगर I माइनस डाला जाएगा M पर तो कौन प्रेसिडेट करेगा? हमें हैलाइड्स की सॉल्युबिलिटी याद होनी चाहिए. हैलाइड सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ऑल क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स आर वाटर सॉल्युबल. दुनिया के सारे क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड सॉल्ट्स, मेटल सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल, एक्सेप्ट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब अस, ओ यू एस, अस फॉर्म ऑफ AG, HG, PB, CU. लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट AG, AG प्लस 1, HG, HG प्लस 1, PB, PB प्लस 2, CU प्लस 2 या प्लस 1, एंड CU प्लस 1 इनसॉल्युबल है. CU प्लस 2 क्या करेगा? आयोडीन के साथ, वो मैं अभी IMR दिखाऊंगा. एक प्लस 2 वालों में HG का आता है और बिस्मत का आता है. अगर देखें तो साथ में आ जाएगा HG प्लस 2 और BI, I3. मैं रिपीट करता हूं, ऑल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड सॉल्ट्स ऑफ वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट अस फॉर्म ऑफ AG, HG, PB, CU, AgI2 एंड BiI3. ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, बाकी सारे सॉल्युबल होते हैं. देख सकते हैं आयोडाइन के केस के अंदर, आयोडीन के केस में AG, HG, PB, CU की तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और HG प्लस 2 और BI+3 ये दोनों के दोनों भी पानी में आयोडाइड इनसॉल्युबल है. ये ध्यान रखना, ये आयोडाइड है, ये क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के लिए भी, ये क्लोराइड ब्रोमाइड के लिए भी वैलिड है, जबकि ये सिर्फ आयोडाइड के लिए वैलिड है. एक्सेस KI डालेंगे तो क्या होगा? पी ब्लॉक, आयोडीन पी ब्लॉक के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है. किसके साथ बनाता है? पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और एच जी प्लस टू. क्या एच जी प्लस टू अपने घर वालों जैसा नहीं था? क्या डी ब्लॉक के साथ हमेशा एक्सेप्ट निकल जाता था? अमोनिया अलग निकल गया, साइनाइड अलग निकल गया, लेकिन पी ब्लॉक का साथ दे रहा है ये. इट इज विथ पी ब्लॉक, पी ब्लॉक का साथ दे रहा है. बात समझ में आ रही है? अब अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपन स्लाइड को एक्सप्लेन करते हैं ऐसे. अब आंसर पहले रिवाइज करेंगे, फिर इसका आंसर देंगे. बोलो, सबसे पहले पहला स्टेप कौन दिखाएगा? अस फॉर्म ऑफ AG, HG, PB, CU, AgI2 और BiI3, ये पहला स्टेप दिखाएंगे. इसमें से P ब्लॉक सेकंड स्टेप दिखाएगी. डन, चलते हैं आगे. तो पहले आंसर में क्या आएगा? AgI इनसॉल्युबल, वेरी गुड. सेकंड स्टेप नहीं होगा क्योंकि P ब्लॉक का नहीं है. पहला स्टेप PbI2, पहला स्टेप हो गया परफेक्ट इनसॉल्युबल, और सेकंड स्टेप भी होगा PbI4 और 2-, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है. कॉपर की बात करेंगे तो यहां पर कॉपर की रिएक्शन फिर से समझाता हूं. Cu2+ की रिएक्शन जब I- के साथ होती है, मतलब मैंने KI डाला, तो ऐसी कंडीशन में ये बन जाता है CuI2, और CuI2 अनस्टेबल होता है, IMR शो करता है, और प्रोडक्ट बन जाता है CuI+I2. ये CuI इनसॉल्युबल कंपाउंड है, और साथ में क्या बन जाता है? I2. तो यहां पर आंसर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? CuI+I2 बन जाना चाहिए. ओके, और जो यहां बनेगा नहीं बनेगा क्योंकि डी ब्लॉक का है, आंसर नहीं आएगा. बिस्मत परफेक्ट, BiI3 बनेगा, और यहां क्या बनेगा? BiI4 और 2-, 2- कितना? +3 इस पे है, माइनस आर इस पे, -1 आएगा इस पे, -1 परफेक्ट सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया. मरकरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, AgI2 बनेगा यहां पर इनसॉल्युबल, AgI2, और यहां कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4. एक अच्छी चीज हमारे समझ में आई, यहां पर मैं इसको KB लिख दूंगा जानबूझ के. देखो क्या बना, K2HgI4, क्या नाम है इसका?
क्या ये नेस्लर्स रिएजेंट है? नेस्लर्स रिएजेंट, वैसे नेस्लर्स रिएजेंट विथ NaOH या KOH डाला जाता है तब नेस्लर्स रिएजेंट बनता है। K2HgI4 उसका मेन कंपोनेंट है और वो नेस्लर्स रिएजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मरकरी की रिएक्शन, ये मैं फिफ्थ नंबर को इंपॉर्टेंट मार्क देता हूँ। कैडमियम, कैडमियम के केस में यहाँ स्टेप वन ही नहीं होगा, स्टेप टू कैसे होगा? क्रोमियम केस में स्टेप वन ही नहीं होगा, स्टेप टू भी नहीं होगा। एल्यूमिनियम केस में स्टेप वन नहीं होगा, स्टेप टू नहीं होगा। आयरन के केस में क्या इंपॉर्टेंस है वो देखें। Fe3+ की रिएक्शन जब हम I- के साथ करते हैं, मतलब Ki के साथ करते हैं, तो कंपाउंड बनता है FeI3। और ये FeI3 भी IMR शो करता हुआ कंपाउंड जो बना लेता है वो बना लेता है FeI2+I2। ये भी IMR शो करता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखना। यहां बनेगा FeI2, लेकिन वो पानी में कैसा है? सॉल्युबल। और साथ में क्या बन जाएगी? I2। सेकेंड स्टेप तो होगा नहीं, प्लस टू के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, निकल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोबाल्ट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, Mn के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी और जिंक के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, रिएक्शन ऑफ कॉपर विद Ki एंड Fe+3 विद Ki, जो मैंने आपको अलग से सिखा दी। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? मैं वापस सारी चीज़ों को कंपाइल कर देता हूँ। हमने चार रिएजेंट्स पढ़े, ये चार रिएजेंट्स से NaOH, NH4OH, KCN और Ki, दो स्टेप की रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में हमें PPT बनाना पड़ता है, सेकेंड स्टेप में सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है। PPT बनाने में वही बनाएंगे जो इनसॉल्युबल होते हैं, सेकेंड स्टेप उनके लिए होगा जो कि सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये सारी चीज़ें एक बार आप फिर से रिवाइज करें, क्लियर समझ में आ जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन आने का तरीका बहुत सिंपल है, वो कहेगा देयर आर टू कैटायंस, NaOH डालने पर क्या होगा, NH4OH डालने पर क्या होगा। आप इनको एक बार अगर समझ लेंगे तो एग्जाम की लैंग्वेज आते ही इनसे रिलेटेड आप आंसर दे सकते हैं। एक छोटी सी चीज और मैं इससे रिलेटेड आपको और बढ़ा देता हूँ, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर्स। वो कोऑर्डिनेशन नंबर्स हमारे काम आएंगे इसलिए आपको समझा देता हूँ। वो कोऑर्डिनेशन नंबर पर ध्यान दीजिएगा, डी ब्लॉक के स्पेशली रिक्वायर्ड है। वैसे हमने जो कॉम्प्लेक्स बनाया उसमें हाइड्रोक्साइड कॉम्प्लेक्स बना है और उसमें जनरली अगर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जनरली तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। लेकिन क्रोमियम के केस में Cr+3 या Al+3 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 दोनों हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन। सेकेंड अपन ने अमोनिकल कॉम्प्लेक्स बनाए, अमोनिकल कॉम्प्लेक्स में वेरिएबल होता है वो मैं अभी बता देता हूं, ठीक है। साइनाइड, साइनाइड कॉम्प्लेक्स में भी वेरिएबल होता है वो भी मैं अभी बता देता हूं। और अगला हमने कॉम्प्लेक्स पढ़ा आयोडीन, आयोडीन में जनरली इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जितने हमने डिस्कस करे वो सारे वैलिड है, जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। ये दो चीजें आप जरूर याद रख ले। अब मैं डी ब्लॉक समझा देता हूं, Scandium+3, Scandium, टाइटेनियम, वेनेडियम, Chromium+3, देन उसके बाद आता है Mn+2, Fe2+, Fe3+, उसके बाद आएगा Cobalt+2+, Nickel+2+, Zn+2+। बीच में कॉपर और लेते हैं, कॉपर में Cr+1 भी है, Cr+2+ भी है और Zn+2+, ये सारे आ गए। फिर इसके बाद नीचे कॉपर के नीचे कॉपर सिल्वर का +1, कैडमियम और यहां पर आ गया मरकरी में सिर्फ +2। ये वो हैं जो कि हमको जनरली पढ़ने, ठीक है। इसमें से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स में नहीं बनाना था, यहां से यहां जरूरत है। इधर से इधर की अगर अपन बात करेंगे तो इन सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। वापस यहां लिख देता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा एक्सेप्ट निकिल। निकिल 2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 फॉर साइनाइड। साइनाइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकिल का कितना होगा? 4। बाकी सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। इन सब की बात करेंगे, इन सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4। आप जनरली देखिए सब जगह पर आंसर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है। और मरकरी की बात करेंगे तो सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 2। इसमें हम एक थायोसल्फेट का कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं, S1 नीचे ये लिख देता हूं, एक्सेप्ट AgS2O3 होल ट्वाइस। चार्ज इसमें आता है 3-। यहां पर नंबर तो 2 आ रहा है लेकिन इसमें इसका सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ना वो 4 होता है। ये बाइडेंटेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये मैंने एक सिंपल कोऑर्डिनेशन नंबर की थ्योरी आपको समझा दी।
यही मैक्सिमम हमारे काम आ जाएगी, इससे सारे एग्जांपल्स हमारे ऑनर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा एक स्पेशल लेक्चर था ऑन कैटायन क्लासिफिकेशन, या अपन कह सकते हैं कैटायन क्लासिफिकेशन के बाद में इनके सेपरेशन टेस्ट पर, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़े, आईआईटी के एग्जाम में काफ़ी काम आ सकता है। थैंक यू।